नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है नए भारत के 2020 का। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 151 तक पहुंच गई है। कल से आज 14 नए मामले सामने आए हैं। आज दिल्ली से सटे नोएडा में एक और कोरोना वायरस संक्रमित मरीज पाया गया। अब नोएडा में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस की संख्या 4 हो चुकी है। नोएडा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से कई सोसाइटीज में हड़कंप मच गया है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक और शख्स कोरोना वायरस संक्रमित मिला है। नोएडा के सेक्टर 41 में रहने वाला शख्स कोरोना वायरस पॉजिटिव है। पिछले दिनों वो इंडोनेशिया से लौटा था। जिला प्रशासन ने कोरोना पीड़ित शख्स को ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया है। नोएडा में अब तक 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस के कारण नोएडा की सोसाइटीज में हड़कंप मच गया है। कई सोसाइटियों ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। नोएडा की कुछ सोसाइटियों ने परिसर में कैब की नो एंट्री कर दी है। साथ ही ऑनलाइन खाना मंगाने पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस का खौफ देश के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी दिख रहा है। आज से वैष्णो देवी भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं शिरडी में सन्नाटा पसरा है। वाराणसी के कुछ मंदिरों को भी भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये फैसला किया है। जिन श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी का कार्यक्रम बनाया है वो फिलहाल उसे रद्द कर दें। देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक शिरडी में कोरोना वायरस का बुरा असर दिख रहा है। शिरडी में भी साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। शिरडी में होटल और दुकानें भी बंद हैं। शिरडी में कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। विश्व प्रसिद्ध पुरी के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कोरोना के कारण घट गई है। जो भी श्रद्धालु यहां आ रहे हैं उनके मुंह पर मास्क लगा है। जगन्नाथ मंदिर की ओर से अपील की गई है कि श्रद्धालु फिलहाल मंदिर में न आए। वाराणसी के मंदिरों पर भी कोरोना वायरस का असर दिखने लगा है। पंचक्रोशी यात्रा के रास्ते में पड़ने वाला हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को वायरस के चलते 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के डर से कर्नाटक विधानसभा को सैनिटाइज किया गया है। बेंगलुरु में विधानसभा भवन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। विधानसभा के अंदर कर्मचारियों ने वायरस को खत्म करने वाली दवा का छिड़काव किया। जिन सीटों पर विधायक बैठते हैं उन पर भी दवा का छिड़काव हुआ। विधानसभा स्पीकर के कमरे और गैलरी में भी दवा का छिड़काव किया गया। और पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक पत्नी ने अपने पति को कोरोना के डर से घर में घुसने ही नहीं दिया। जब पति ने कोरोना नहीं होने का सर्टिफिकेट पत्नी को दिखाया तो उन्हें घर के एक कोने में रहने की इजाजत मिल सकी। ये है अरुण मंडल। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में रहने वाले अरुण मंडल के जीवन में कोरोना वायरस के कारण खटास आ गई है। अरुण मंडल दार्जिलिंग घूमने गए थे। 13 मार्च को जब अरुण घर वापस लौटे तो पत्नी ने कोरोना वायरस के डर के कारण घर में घुसने नहीं दिया। अरुण कुमार को कोलकाता के बोलघाट के आईडी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल से कोरोना वायरस नहीं होने का सर्टिफिकेट लेकर जब अरुण अपने घर पहुंचे तो पत्नी ने घर के एक कोने में रहने को कह दिया। पत्नी ने घर में ही अरुण को आइसोलेशन में रख दिया। अब उन्हें अलग थाली में खाना, अलग गिलास में पानी दिया जा रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, लेकिन देश में ऐसे लोग हैं जो कोरोना पर लापरवाही बरत रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट और जालंधर में दो संदिग्ध मरीज अस्पताल छोड़कर भाग गए। पंजाब के फरीदकोट में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज अस्पताल से फरार हो गया। फरीदकोट के अस्पताल में एक शख्स को कोरोना वायरस के शक में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन बीती रात अस्पताल से वो युवक फरार हो गया। पुलिस की टीम फरार संदिग्ध मरीज की तलाश कर रही है। पुलिस ने मरीज की तलाश घर पर भी की, लेकिन वो अपने घर पर नहीं पहुंचा। ऐसा ही मामला जालंधर से भी सामने आया है। विदेश से आई एक महिला खांसी का इलाज करवाने सिविल अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के शक के चलते जांच कराने को कहा, लेकिन युवती जांच कराए बिना ही वहां से चली गई। बाद में पुलिस की मदद से उसे पकड़ा गया, जिसके बाद उसे कपूरथला के सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए रेलवे भी तैयार है। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे वायरस से बचाव के लिए काफी कदम उठा रही है। ट्रेन की बोगियों में वायरस से बचाने वाली दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कोच को सैनिटाइज करने के लिए कर्मचारी लगे हैं। कोच के अंदर कोने कोने की सफाई की जा रही है और दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कोच के अंदर के अलावा बाहर भी ट्रेन को सैनिटाइज किया जा रहा है। रेलवे ने ऐसी कोच में लगे पर्दों को हटा दिया है। साथ ही यात्रियों को कंबल भी जरूरत के अनुसार ही दिए जाएंगे। और नोएडा की अब बात करते हैं। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से लोगों ने घरों में राशन का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है।
नोएडा की दुकानों से लोग सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। कई दुकानों पर तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ज्यादातर जरूरत से ज्यादा तादाद में राशन खरीदा जा रहा है। लोग आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे सामान को इसलिए खरीद रहे हैं ताकि घर में स्टोर किया जा सके। दरअसल लोगों को डर है कि नोएडा में कोरोना के मामले अगर बढ़े तो लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतें। हैदराबाद में कोरोना वायरस को देखते हुए प्रशासन ने गाचीबोली स्टेडियम को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने स्टेडियम में 400 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। अगर हैदराबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी तो उन्हें इस आइसोलेशन वार्ड में रखा जा सकता है। तेलंगाना सरकार ने यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना का ये जो स्टेडियम है गाचीबोली स्टेडियम, उसको खास तरीके से तैयार किया है। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप स्टेडियम देख रहे हैं उसमें कम से कम 400 बेड्स ऐसे लगाए गए हैं, इस वजह से कि अगर ज्यादा से ज्यादा केसेस आते हैं आइसोलेशन के, तो यहाँ पर जो एक बिल्डिंग लगाई गई है खास उसके लिए, तो यहाँ पर 400 बेड्स तैयार किए गए हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट है तेलंगाना का उसकी निगरानी में। तो फिलहाल किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ अगर जो नंबर बढ़ता है संदिग्धों का, सस्पेक्ट का, कोरोना वायरस से जो पीड़ित है उसका, सस्पेक्ट का नंबर बढ़ता है तभी इस फैसिलिटी को खोला जाएगा, लेकिन इसको अभी से ही तैयार किया गया है ताकि अगर लोगों की संख्या ज्यादा हुई कोरोना वायरस के चलते तो उनको यहां पर लगाया जा सके। कैमरामैन रमना रेड्डी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया हैदराबाद। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ ट्रेन से 4 यात्रियों को उतारकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल गरीब रथ की कोच में सवार 4 यात्री जर्मनी से आए थे। कुछ यात्रियों ने उनके हाथ में क्वारंटीन की मुहर देखी, जिसके बाद लोगों ने ट्रेन के टीटीई को शिकायत की। पूछताछ में पता चला कि चारों जर्मनी से आए हैं और सूरत जा रहे हैं। जर्मनी में उन्हें 14 दिनों के लिए घर में रहने का आदेश दिया गया था। अब पालघर जिला अस्पताल में उन चारों की जाँच की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जर्मनी से आए 4 लोगों को हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की सतर्कता की वजह से अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पालघर का ये मामला है। दरअसल यात्रियों ने गरीब रथ में देखा कि इन 4 जर्मनी से आए यात्रियों के हाथ में क्वारंटीन की मुहर लगी है और उसके बाद एक्शन लिया गया। कोरोना वायरस की वजह से लोग नॉनवेज खाने से भी अब परहेज कर रहे हैं, जिसके चलते पोल्ट्री फार्म के लोग मुर्गियों और चूजों को जिंदा दफन कर रहे हैं। कोरोना वायरस से पोल्ट्री फार्म संचालक काफी डरे हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 20,000 मुर्गियों और चूजों को पोल्ट्री फार्म संचालकों ने जिंदा दफन कर दिया। कोरोना के कारण घबराकर लोगों ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है, जिसके कारण मुर्गियों की कीमत में काफी गिरावट आई है। ऐसा ही हाल झारखंड के दूसरे जिलों में भी है। गढ़वा जिले में मुर्गी की कीमत 10 से 15 रुपए तक नीचे आ गई है। कोरोना के खौफ के चलते पोल्ट्री फार्म संचालक नदी किनारे मुर्गियों और चूजों को दफना रहे हैं। कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है या नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। कोरोना वायरस की वजह से जम्मू कश्मीर में पर्यटन उद्योग पर भी बुरा असर पड़ा है। पर्यटक स्थल पटनी टॉप में सैलानियों के आने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे बंद कर दिए गए हैं। पटनी टॉप प्राकृतिक रूप से काफी शानदार जगह है, यहाँ पर हर सीजन में सैलानी रहते हैं, लेकिन कोरोना के डर से स्थानीय प्रशासन ने पटनी टॉप में सैलानियों की एंट्री बैन कर दी है। और अब खबर एमपी के सियासी ड्रामे की करते हैं। मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे के लिए बेंगलुरु में स्टेज बना और इस ड्रामे के सियासी किरदार बने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप के 22 बागी विधायकों से मिलने गए थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। दिग्विजय सिंह कुछ कांग्रेस नेताओं के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस ने दिग्विजय सिंह को हिरासत में ले लिया और अमृताहल्ली थाने उनको ले गई। विधायकों से मुलाकात न होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अमृताहल्ली थाने में ही वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बेंगलुरु में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मांग है कि उन्हें 22 विधायकों से मिलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह बेंगलुरु के रमादा होटल ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप के 22 विधायकों से मिलने पहुंचे थे। मिलने नहीं दिया गया तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। बेंगलुरु पुलिस ने विधायकों से मिलने की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन दिग्विजय सिंह को हिरासत में जरूर ले लिया। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को बहुत नागवार गुजरी। एक व्यक्ति 500 कर्नाटक की पुलिस और दिग्विजय सिंह एक खतरा बन गए, राष्ट्रीय खतरा बन गए। ये साफ साबित करती है बात कि किस प्रकार से इनको कैद रखा गया। दिग्विजय सिंह जाते, अगर वो नहीं मिलना चाहते वो दिग्विजय सिंह ये कह देते हम नहीं आपसे बात करना चाहते।
दिग्विजय सिंह लौट आते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि विधायकों ने कांग्रेस नेताओं से मिलने से इनकार किया। विधायकों ने साफ कर दिया है आज फिर वीडियो जारी करके, वो इतने त्रस्त और परेशान थे कि उन्होंने साफ कहा है कि हमें ना तो दिग्विजय सिंह जी से मिलना ना बाकी किसी से बात करना। अब कमलनाथ जी को भी याद आ रहे हैं, 1.25 साल से आप क्या कर रहे थे। पुलिस ने दिग्विजय सिंह के साथ कुछ और कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। इन नेताओं को अमृता हल्ली थाने ले जाया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अब वो थाने में ही भूख हड़ताल करेंगे। निर्भया मामले के दोषी अब कानूनी दाव पेच का खेल खेल रहे हैं, ये खबर भी समझ लीजिए। पवन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है जिसमें कहा गया है कि वारदात के वक्त वो नाबालिग था इसलिए उसकी फांसी की सजा खारिज की जाए। पवन ने क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की है। हालांकि क्यूरेटिव पिटीशन का खारिज होना तय माना जा रहा है क्योंकि पवन की नाबालिग होने की दलील को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। क्यूरेटिव पिटीशन जज अपने चेंबर में सुनेंगे जिसमें किसी भी पक्ष का वकील मौजूद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले के संदर्भ में यह देखना होगा कि अब दोषी के पास कोई अहम कानूनी पहलू तो नहीं है जिससे कोर्ट में पहले जजों के सामने ना रखा गया हो। निर्भया मामले में चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए 20 मार्च की सुबह का डेथ वारंट पहले ही जारी किया जा चुका है। याचिका में फांसी की सजा खारिज करने की मांग की गई है। पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद इस याचिका को दायर किया गया है। क्यूरेटिव पिटीशन का खारिज होना अब तय माना जा रहा है। पहले ही खारिज हो चुकी है नाबालिग की दलील और क्यूरेटिव पिटीशन जज अपने चेंबर में अब सुनेंगे। सुनवाई में किसी भी पक्ष का वकील मौजूद नहीं होगा। जज देखेंगे कि दोषी के पास क्या अब कोई भी अहम कानूनी पहलू बचा है या नहीं, ऐसा पहलू जिसे कोर्ट में पहले ना रखा गया हो। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने योगी सरकार के 3 सालों को बेमिसाल बताया और कहा कि योगी सरकार ने हर क्षेत्र में शानदार काम किया है। श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की एक अहम इस बात को बताया कि एक मिसाल रही है बिजली की आपूर्ति जो कि अमूमन दिक्कत की वजह रही यूपी में। यूपी की जनता की बुनियादी सेवा पर विशेष ध्यान दिया गया और हाल ही में हुए ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत दिए जाने की बात भी कही और अगले 2 वर्ष के लिए सरकार के रोड मैप की भी चर्चा की। और दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 8000 के पार हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है। आपको दिखाते हैं कुछ विदेशी जगह जहां कोरोना वायरस से पहले और बाद की तस्वीरें हमारे पास कैसे आईं। सबसे पहले आप देखिए सिंगापुर मलेशिया को जोड़ने वाली सड़क का हाल, पहले कैसा था अब कोरोना वायरस के फैलने के बाद कैसा है स्थिति आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मक्का सऊदी अरब की तस्वीर अब देखिए, इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल खाली पड़ा है। जहां दुनिया भर से मुस्लिम्स पहुंचते थे अब वो खाली पड़ा है और उसके बाद डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियो अमेरिका जहां कभी भीड़ होती थी वो भी अब खाली है। बेरूत की बात करते हैं, लबनन एक बीच जहां भीड़ हुआ करती थी अब वो बीच खाली पड़ी हुई है। वहीं डिज्नी स्टूडियो ऑरलैंडो में जो बच्चों की सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी अब कोरोना की वजह से खाली है। तो कोरोना पूरे देश के लिए सबसे बड़ी महामारी बन चुका है और इस महामारी से लड़ाई में हमारे देश के सरकारी अस्पताल, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मचारी, सेना, एयर इंडिया के कर्मचारी सभी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो अगर आप भी कोरोना से लड़ने वाले इन योद्धाओं को अपना संदेश देना चाहते हैं तो #coronafighters पर आप ट्वीट कीजिए, हम आपका संदेश जी न्यूज पर दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं नए भारत का 2020। हरियाणा के करनाल में लुटेरों का एक आतंक देखने को मिला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये लूट की वारदात हरियाणा के करनाल की है। लुटेरे हाथ में पिस्टल लिए एक स्टोर में घुसते हैं और 80,000 कैश के साथ 2 मोबाइल लूटकर फरार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि लूट के बाद लुटेरे पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि पुलिस में दम है तो पकड़ कर दिखाए। वहीं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 28 लाख की चोरी का पूरा वाकया सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। यहां भी हैरानी की बात यह है कि चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।
रही। ये सीसीटीवी फुटेज अशोक शर्मा नाम के व्यापारी के गोदाम का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति गोदाम के अंदर दाखिल होता है और अलमारी का दरवाजा हाथ से तोड़ देता है और उसमें रखा कैश निकालकर भाग जाता है। अशोक शर्मा का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और अशोक शर्मा ने जो ये सीसीटीवी फुटेज दिखाया उसके बाद अब आपको मध्य प्रदेश के खरगोन के एक कुएं में तेंदुए के गिर जाने की खबर दिखा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची, उसे कुएं से बाहर भी निकाल लिया गया। बाहर निकलते ही तेंदुए ने दो लोगों पर हमला कर दिया। तेंदुए के रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। तेंदुआ खुद भी घबराया हुआ था और उसी घबराहट में तेंदुए ने दो लोगों को छोड़ भी दिया और जंगल की तरफ भाग गया। दोनों व्यक्ति तेंदुए के पंजों की मार से घायल हो गए हैं। तो नए भारत के 2020 में आज के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद होगी कुछ और खबरें, बने रहिए हमारे साथ।